योगी सरकार स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन अगर बात की जाए हसनपुर के उजारी राजकीय अंबेडकर इंटर कॉलेज की, तो यहां छात्राओं के साथ बदतमीजी की जाती है, सरेआम छेड़छाड़ की जाती है। वही हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर ये छात्रा विरोध करती है तो मनचले छात्राओं को जान से मारने की धमकी तक देते हैं। एक बजे के बाद में क्या हुआ? कल हम पेपर करने के बाद में बाहर गए क्लास से, तो कुछ लड़के खड़े थे, तो उस लड़के ने हमारे ऊपर को कागज़ फेंक कर मारा, तो मैंने कही ना थप्पड़ मार दूंगी, तो वो बोला ना उठाया कर ले जाऊंगा, तो हमने इतनी बात अपने सर से कही। कौन से स्कूल? राजकीय अम्बेडकर उजारी जिला। अच्छा, फिर सर ने क्या कहा? फिर सर ने हमसे कहा कि आप घर जाओ, हम घर चले गए। अच्छा, आप इसमें कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई नहीं चाहती, ये बात यहीं तक जाएगी। किस वजह से कार्रवाई नहीं चाहती? बदनामी की वजह से? किसी टीचर ने कहा आज तक? नहीं नहीं सर, टीचर ने नहीं कहा। ये किसी का दबाव है? नहीं। भैया आए थे, वो ये सब करवाते हैं, गुंडागर्दी है, बहुत सारे लड़कों को लेकर आते हैं स्कूल में, वो नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कराया था आशीष ने, ये बाद में भी आए थे, पहले भी आए थे, लेकिन ये चले गए थे, हमें पहले इतना ध्यान नहीं था, इसलिए अब बता रहे हैं। अच्छा, कौन कौन थे, क्या लड़के थे? ये कई एक लड़के थे, ज्यादा के नाम तो पता नहीं, दो का याद है, आशीष और मनोज। अच्छा, ये आशीष है कौन, क्या करते हैं? फिर यहाँ से इंटर करके गए हैं वो, अब हमें ये नहीं पता क्या करते हैं। तो ये रोज आते हैं स्कूल? हाँ, कभी कभी आते हैं, लेकिन आगे गुंडागर्दी करते हैं, डेली भी आ जाते हैं कभी। अच्छा, तो और लड़कियों के साथ में ऐसे छेड़छाड़ करते होंगे, तो वो कुछ नहीं कहती? पता नहीं सर जी, अब हमें तो हमारे साथ की तो हमने तो कार्रवाई की। लड़कियां डरती हैं क्या उनसे? धमकी देते हैं उठाने? जी सर। हाँ सर, ऐसी ऐसी वैसी बातें कहते हैं तो वो कोई नहीं कहता, इसलिए क्या धमकी देते हैं वो? उठा कल भी कह रहा था कि उठा के ले जाएंगे, तो जब भी तो हमने सर जी से बोला था, ऐसी ऐसी लड़कियों से कहते हैं तो वो इसलिए कुछ नहीं कर पाते। आपको बता दें कि जिस तरह से कॉलेज परिसर में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मंचलों की ओर से सरेआम की जा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल हो रहा है। वहीं रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और पश्चिमी एशिया के कुछ देशों ने भारत को अत्याधुनिक ट्रेन 18 का आयात करने में अपनी रुचि दिखाई है। हालांकि अभी इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कमर्शियल शुरुआत नहीं हुई है। ट्रायल के दौरान ट्रेन 18 की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल रही है। इसका सफर वाराणसी से दिल्ली के बीच शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी में आज सर्द और धुंध भरी रही। राजधानी का